कहाँ चलना था गुरु? धनंजय मैप लगा ले मैप। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए बाइक राइड सीरीज में। बोतल पकड़ा रहे थे कुछ देर, बोतल नहीं पकड़ना। तो आज के दोस्तों में हम आपको दिखाएंगे जौनपुर शहर कि एक्चुअल में जौनपुर वेब सीरीज से कितना अंतर है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं भाई, पानी वगैरह पीना है। और इसमें डाल 40 मिनट पूरा किसी में पानी के। तो आपको दिखाएंगे इसमें डालू ना, हमको थोड़ा दिख रहा कैमरा लगा हुआ है। तो अभी दोस्तों चलेंगे और मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में जो जौनपुर दिखाया गया है इस समय हम लोग वहीं पर हैं। और तो अभी यहाँ पे आपको सीरीज देखने को मिलेगी भाई, मतलब कि कैसा है जौनपुर। अभी हम तो आपको बताया कि जौनपुर का जो किला है, हम तो अभी यहाँ पे गए थे बट हमको मज़ा नहीं आया। क्या कहते धनंजय, तुमको कैसा लगा? तो भाई धनंजय कैसा लगा तुमको जौनपुर का किला? और वैसे भी यार उस किला में ना केवल टहलने वाली जगह है, पर मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर हमें तो लगा नहीं। कहाँ मुड़ना है? शायद मुड़ना है ना यहाँ पे, कि सीधे चलना है। तो अभी दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, क्योंकि इस समय हम लोग जौनपुर के मेन शहर में, मेन जो सिटी होता है जौनपुर का, अभी हम लोग वहाँ पर हैं। और क्योंकि अभी यार जो किला है यही शहर में है, और अभी तो बनारस से 73 किलोमीटर ऐसे कुछ हम लोग दूर हैं। और अभी जब हम लोग आए थे तो आसपास में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा मतलब बनाया गया था हाईवे, क्योंकि बहुत प्यारा था, गांव से पूरा निकल रहा था। और यहाँ पर आप जो कैमरे में देख रहे हैं बहुत सारा पेड़ पौधा, ये वही है जो यहाँ जौनपुर का किला है। इसका नाम क्या था? शाही किला नाम था ना शायद इसका, शाही किला। तो वही अभी आप देख रहे हैं। और आपको हम बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि बाइक राइड के सीरीज़ में तो दिक्कतें आती हैं कि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होता। तो दोस्तों आवाज़ इसलिए रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि हम कोई GoPro का सेटअप नहीं रखते हैं, क्योंकि ये सब एक कह सकते हैं कि हर बार हम नहीं कर सकते। जब हम घर पे आते हैं तो ही मतलब बाइक राइड का जो ये है सीरीज़ उसी को हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मेरी जब जॉब लग जाएगी तो बाइक राइड का सीरीज स्टार्ट नहीं कर सकते। और GoPro लेने का मेरा कोई भी सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि कोई हमें कोई एक्शन वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना तो GoPro का सेटअप की जरूरत नहीं। हालांकि मेरे पास एक बोया का माइक है, मुझे सोचे थे कि हेलमेट के अंदर लगा लेंगे, बट वही है कि थोड़ा अभी मेरे फ़ोन का जो चार्जिंग जैक था वो ख़राब हो गया था। तो हमसे कोई बोला कि भाई इसको चावल में रख दो तो सही हो जाएगा। अब चावल में कैसे रखना था ये हमें समझ नहीं आया। हम क्या किए, काम उड़ना किधर, तो हमें समझ नहीं आया भाई चावल में उस फ़ोन को कहाँ पर रखना है। तो हम एक लिए जो रसगुल्ले वाला डब्बा आता है, रसगुल्ला घर पे आया था मेरे घर पे, कोई ऐसे छोटा सा पार्टी वगैरह था तो 15 रसगुल्ले आए थे, तो वही डब्बा था उस पर चावल रखा हुआ था। हम लिए और फ़ोन को चार्जिंग जैक मतलब नीचे के साइड से पूरा चावल में डाल दिया। उससे क्या हुआ कि जो चार्जिंग जैक था, चार्जिंग जैक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई सीट ऐप था तो उसमें कोई ऐसा चावल घुसा नहीं, बट जो वो था 3.5 mm का ऑडियो जैक उसमें घुस गया। अब जब उसमें घुस गया तो यार वो ख़राब हो गया, काम ही ना करे, क्योंकि जब निकाले चावल को तो अब कैसे करके ठोक ठाक के निकाल लो उसको, निकला तो यार वो ख़राब हो गया। अब जब वो ख़राब हो गया तो अब उसमें बोया का माइक यूज़ ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि बोया का माइक का जो जैक है वो 3.5 mm वाला है, तो उसमें वैलिड नहीं है कि हम उसको यूज़ करें, कैसे यूज़ करते। तो अभी यार थोड़ा माइक का और वॉइस का थोड़ा इशू हो सकता है, हालाँकि हम इस चीज़ का ध्यान देंगे कि जो वॉइस का इशू हो ज़्यादा ना हो। इसीलिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि जब हम अपने लोकल्स में अगर बाइक राइड सीरीज़ करेंगे, जैसे समय जौनपुर सिटी के आपको बाइक राइड दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे काम उड़ना था यार सीधे। अच्छा, तो क्योंकि इस रास्ते से आए नहीं थे ना हम, इसलिए पूछ रहे थे। इस रास्ते से नहीं आए हम लोग? नहीं भाई, हाँ हाँ नहीं वो तो हो गया, वो पहले ही था। अच्छा, हाँ हाँ। तो अभी आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे विक्रम भी चलता है, बनारस में विक्रम
नहीं चलता था, 800 किलोमीटर चल रहा है। तो अभी यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन है यार, चल रहा है सब कुछ। और यार एक तो एक कुत्ते जब बीच में से एकदम डिवाइडर से एकदम क्रॉस करते हैं ना यार, तो कोई भी सीनरी हो यार, हाईवे वगैरह पे भी हम देखें कि वो ऐसे बीच में से क्रॉस करते हैं, तो यार एकदम सडन समझ नहीं आता क्या करें यार। और फिर एकदम उसने ब्रेक लगाना भी भाई मुश्किल सा हो जाता है, तो कैसे कोई ब्रेक लगाए कैसे क्या करे। तो अभी थोड़ा सा वो है। और अभी हम आपको बता दें कि मेरे पास अभी बाइक राइड का कोई सेटअप नहीं है, तो हम एक बैग लगाए हैं सामने की तरफ, और उस बैग में आगे की तरफ चेन है, उसी में अपना हम ट्राइपॉड को रखते हैं, और मोबाइल मेरा है सैमसंग गैलेक्सी A50, तो इसका अल्ट्रा वाइड एंगल ऑन कर देते हैं ताकि एक वाइड एरिया कैप्चर हो, क्योंकि प्राइमरी में आपसे ज़्यादा एरिया रोड का देख नहीं पाएंगे, और जब तक यार नज़ारे क्या ही मतलब है जब तक आप एक वाइड एरिया ना देख पाए। तो वाइड एरिया देखने के लिए उसका अल्ट्रा वाइड ऑन कर देते हैं, और अभी जब फोन वोन भी ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो तो उसके पीछे वाले में एक पावर बैंक है और जो कि फ़ोन को चार्ज करता रहता है, तो उससे थोड़ा चार्जिंग किया है अभी थोड़ा सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और अभी देखिए आप ये जो देख रहे हैं, ये पूरा एक मिर्ज़ापुर सिटी के अंदर हम लोग हैं, अरे मिर्ज़ापुर ज़्यादा जौनपुर सिटी। अब आगे इतनी जाम भी लग गया, कोई नहीं सब चीज़ कवर अप करेंगे। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे डिवाइडर तो कर रखा है, बट रोड की क्वालिटी हमें उतनी कुछ ज़्यादा ठीक लगी नहीं, और जो डिवाइडर है इसके लिए मतलब आसपास बहुत गंदगी है, धूल कड़ बहुत है यहाँ पे, आँखों में लग रहा है ऐसे इतना धूल लगी कि जब हाईवे पर चलाओ गाड़ी तो उसमें काफ़ी सही था, जब लगाया था धूप भी बहुत ज़्यादा था। अरे यार एक तो बहुत महान रोड है, उसमें डिवाइडर भी लगा रखा, कोई बात नहीं। तो ऐसा ही कुछ है अभी ये जौनपुर शहर, क्योंकि तो हम आपको बता दें कि एग्जैक्टली हमें हर चीज़ पता नहीं है कि कहाँ पे कौन सी जगह आ रही है, तो उससे हम आपको बता नहीं सकते। बट अभी हम लोग जजेज कॉलोनी जहाँ पे है वहाँ का स्क्रीन कैप्चर कर रहे हैं, जजेज कॉलोनी। हम आपको बता दें दोस्तों कि जब हम लोग गए थे जौनपुर के शाही किला में, उससे पहले हम लोग एक मंदिर गए थे जो कि दुर्गा जी का मंदिर था, तो वहाँ पर गए, और वहाँ पे सारे भगवान थे, ऐसा कुछ पर्टिकुलर दुर्गा जी का मंदिर ही नहीं था, वहाँ सारे भगवान थे। तो हम लोग वहाँ पे जब गए तो फिर वहीं से पता चला कि 2.6 किलोमीटर के आसपास एक मतलब किला है, वहाँ गए। और अभी का दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि भूख लगी है, बट अभी शाम के बज रहे हैं 4:30, और आज सैटरडे है और आज विश्वकर्मा पूजा भी है। और ब्लॉग दोस्तों मैं आपको बता दें कि आपको ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने जो ब्लॉग रहते हैं सबको शेड्यूल पे लगाए रहते हैं, तो जब शेड्यूल पे लगाए रहते हैं भाई तो थोड़ा सा तो डिले हो गया है, और जो पहले के ब्लॉग करेंगे वो पहले निकलेंगी, तो इस वजह से। और हमको लग रहा है कि हम जब शेड्यूल लगाएं तो अभी मेरे ख्याल से 1 महीने का हम शेड्यूल वीडियो लगा चुके हैं, तो ये वीडियो आपको हमको लग रहा है कि जब भी हम अपलोड करेंगे, जैसे आज तो है 17 सितंबर है, आज 17 है ना, अब कहाँ मुड़ना है यहाँ से, कहाँ मुड़ना है यहाँ से। तो अभी हम लोग दोस्तों जिलाधिकारी आवास जौनपुर, मतलब जिलाधिकारी मतलब DM, वो जिलाधिकारी मतलब DM ही तो हुआ, जिलाधिकारी मतलब क्या DM, तो अरे वो ये लिखा हुआ था जिलाधिकारी आवास, तो यहाँ पे दोस्तों जिलाधिकारी आवास लिखा हुआ था। अभी हम लोग उस एरिया पे हैं, मतलब क्रॉस कर चुके हैं, तो मतलब यही समझ में आता है कि यहाँ भाई इस एरिया में जहाँ पे गाड़ी अभी चला रहे हैं, जहाँ पे आपको ये एरिया दिखा रहे हैं, ये फोर्स एरिया है जौनपुर का, है राइट टर्न करना है। तो अभी यहाँ से तीसरा तिराहा आया, तिराहा और पेट्रोल, अरे पेट्रोल का पानी टंकी जो है यहाँ पे तिराहा, नहीं भाई नहीं चाहिए, 100 रुपये का 2.5 किलो से पता नहीं करा, मैंने देख लिया यहीं चलना है ना, मुड़ना तो नहीं, सही है सही चल रहे। अबे यहाँ नहीं है भाई, उस बगल में था, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा यहाँ पे रोड थोड़ी खाली हुई है, बहुत सही। पता हम DM हाउस बोल रहे हैं और धनंजय को PMO हाउस सुनाई दे रहा है,
मैं कह रहा था पीएमओ हाउस देखिए, तब तो कह रहा था बगल में चला गया पिछले पीएमओ हाउस। तो अभी अभी यहाँ पे न्यूज़ 18 का एक है जौनपुर कार्यालय। और ये कौन सी जगह है देखिए जरा, तो कौन सी जगह है देखिए जरा, तो ये हाँ अरे बुद्धिमान आदमी, जौनपुर में कौन सी जगह है देख। अरे बोर्ड पे लिखा होगा, कोई दुकान के बोर्ड के नीचे देखना लिखा होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मतापुर जौनपुर में है, मतापुर जौनपुर। अभी धन नहीं पड़ पाया बट हम बता रहे हैं मतलब। अरे वो तो पहले ही हो गया, अबे कहाँ आ गए हम लोग भाई। भाई देखो भाई, गाली वोली मत दो, ब्लॉग बन रहा है बाइक राइड का। तो अभी दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो ये एरिया है फाटक वाला, यहाँ पे जब हम आए थे तो पूरा SHO की गाड़ी थी। और हम बताएं कि रॉन्ग साइड से मतलब आपको नहीं जाना है, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं जाना, शायद यहाँ पे जाम हम ज़्यादा लग जाता है। तो अभी तो अभी रॉन्ग साइड तो आप नहीं जा सकते, बट हाँ अपने साइड तो जा ही सकते हैं, गाड़ी वगैरह निकाल सकते हैं। तो भाई सब कुछ अब रेडी, बहुत ट्रेन आती है यहाँ पे, जिला अधिकारी को तो सुन लिया, वो 3 बार वो बोलेगा जिलाधिकारी, कह रहे धनंजय 1 बार सुन लिया फिर वही 3 बार बोलेगा जिलाधिकारी। जो भी कहना है। सो अभी तो स्टॉल देख सकते हैं, ये फाटक है। और अभी जो है यहाँ का बाइक राइड है, ये यहाँ पे भी पॉज होगा और उसके बाद फर्दर यहाँ से मतलब ये जो इसका जौनपुर चौराहा का जो फाटक है, यहाँ से फर्दर बाइक राइड कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ट्रेन आने में बहुत टाइम है। और कब तक आएगी, कब तक रहेंगे, वो सब ब्लॉक में रखना ज़्यादा सही नहीं है।